أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم my dear students hope you all are good safe and sound at home this video is just for you class 5 I'm your class teacher the instructions I'm going to teach you is just for you to make ease in your work to understand so let's get started with Rabbi Zidni Ilma class 5 English subject reading of unit number 2 half by half This is your unit number 2, the story of Zamzam. ठीक है You have to read this chapter half by half. आप इसको half कर लें यहाँ तक आप read कर लें उसके बाद next से आप next half read कर सकते हैं Half क्यों कहा है मैंने Half इसलिए कहा है because you have to read it completely and clearly. आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ना है आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि what is the story behind it. ठीक है Think about the blanks page number 10 from reading. Page number 10 ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स ये ब्लैंक्स आपने सॉल्व करनी विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर इज रीडिंग आपने रीडिंग अच्छी तरह से की होगी तो ये फाइव ब्लैंक्स करना आपके लिए इट्स नथिंग ठीक है डू ट्रू फॉल्स पेज नंबर 10 फ्रॉम रीडिंग ट्रू फॉल्स ये हैं ट्रू फॉल्स यू हैव टू रीड दिस स्टेटमेंट्स और फिर आपने ट्रू हैं या फॉल्स हैं या आप किस कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर रीडिंग ठीक है Find the meaning from dictionary page number 11. Page number 11. Dictionary से आपने क्या करना है Desperate का meaning find out करना है वो यहाँ पे लिखना है Heal का जो meaning है find out करना है यहाँ पे लिखना है ठीक है This is how you have to done this question. उसके बाद creativity based task. Question number 5. Page number 11. Page number 11. Question number 5. You have to do this question completely on the with the help of your own. अपनी मदद के तहत आपने ये क्वेश्चन करना है किसी से आपने हेल्प नहीं लेनी ड्रा एनी वन पिक्चर ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है ठीक है ये इसमें जस्ट ड्राइंग के पेज नंबर 14 पे तो ये आप कर सकते हैं इन योर फ्री टाइम उर्दू क्लास 5 उर्दू सब्जेक्ट सबक नंबर 1 और 2 की दोहराई करनी है सबक नंबर 1 हम की और 2 अल्लाह ताला ये इन दोनों अस्बाक की आपने क्या करना है दोहराई करनी है ये चैप्टर आपने अच्छी तरह से पढ़ना है ये वाला ये सारा आपने अच्छी तरह से पढ़ना है सबक नंबर 3 के अहम अल्फाज लिखने हैं सबक नंबर 3 कहाँ है ये है सबक नंबर 3 और ये हैं इसके अहम अल्फाज सबक नंबर 3 के अहम अल्फाज लिखने हैं ठीक है इन अल्फाज को आप क्या करेंगे इनके इनको लिखेंगे ठीक है प्रैक्टिस करेंगे बार बार बचपन 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 ये बचपन वर्ड लिखे फिर मतीन 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 इस तरह करके ठीक है ये सारे वर्ड्स आपने अल्फाज इस तरह से लिखने हैं और उर्दू लुगत से अल्फाज मैंने ढूंढ कर बुक पर लिखने हैं सफ़ा नंबर 15 सफ़ा नंबर 15 अल्फाज मैंने ये सवाल ये सवाल आपने क्या करना है ये आपने उर्दू की लुगत उर्दू जैसा इंग्लिश डिक्शनरी होती है इस तरह उर्दू लुगत होती है उसमें आपने इन अल्फाज के क्या करने हैं मायने ढूंढने हैं और फिर यहाँ पे लिखने ठीक है फिर अल्फाज मुतजाद अल्फाज मुतरादिफ करने हैं सफ़ा नंबर 15 पे अल्फाज मुतजाद ये हैं अल्फाज मुतरादिफ ये इन सवालों को आपने क्या करना है मुतजाद है ना तो आपने इसका क्या करना है उल्ट लिखना है मुतरादिफ मायने को कहते हैं ठीक है तो ये सवाल आपने करने हैं सवाल नंबर 7 को बुक पर लिखना है अच्छा इन सवालों के अलावा जितने भी ये सवाल हैं ये आपको मैंने नहीं करने के लिए कहे आप ये नहीं करेंगे बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 ये सवाल नंबर 7 ठीक है इसको बुक पर करना है ये सवाल आप यहाँ पे खुद लिखेंगे और पेंसिल से लिखेंगे और अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किल हुई तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीडिंग करो ठीक है इसमें जिस जिस वर्ड की आपको समझ आती है जिस सेंटेंस की आपको समझ आती है आपने वो जुमले बना के यहाँ पर लिखते हैं नज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात को बयान किया है ये वाक़यात दर्ज ज़ेहन में दर्ज करें ठीक है यहाँ पे वो आपने जुमले बना के लिखने हरफ निदा हरफ तासुफ और हरफ ताजुब की तारीफ सफ़ा नंबर 16 से याद करेंगे सफ़ा नंबर 16 हरफ निदा हरफ तासुफ हरफ ताजुब हरफ निदा वो हरफ हैं जो किसी को पुकारने या मतवज्जो करने के लिए बोले जाते हैं या ए ओ ठीक है मैंने खाना खाया या नहीं खाया ठीक है
तो इसमें या का इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है, हर्फ़ निदा, हर्फ़ तासुफ़। ये वो हर्फ है जो दुख, अफसोस या तकलीफ़ के मौके पर बोले जाते हैं, ठीक है। ये वो अल्फाज होते हैं, ये वो हर्फ हरूफ होते हैं जो दुख, अफसोस या तकलीफ़ के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे कि बहुत अफसोस हुआ, ठीक है, हाय हाय, हम इस तरह के अल्फाज बोलते हैं ना, तो ये हर्फ तासुफ़ होते हैं। ये जो अल्फाज होते हैं, ये कौन से अल्फाज होते हैं, ये कौन से हरूफ होते हैं, हर्फ तासुफ़ होते हैं। हर्फ ताजुब, ये वो हरूफ हैं जो किसी को देखकर हैरान होने पर बोले जाते हैं, जिससे अस्तग़फिरुल्लाह बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, सुबहान अल्लाह बोलते हैं, ये सारे वो अल्फाज हैं जो हर्फ ताजुब होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन यानी कि तारीफ याद करनी है, ये वाली। लर्न टेबल 2 to 18, क्लास 5 आपने टेबल्स लिखने हैं 2 to 18, और उसकी रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, रोज़ाना उसको रिपीट करना है। एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन GHI इज़ फॉर प्रैक्टिस, GHI इज़ फॉर प्रैक्टिस। एक्सरसाइज 1B, GHI, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6-डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। ये क्लास मैंने आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी थी, क्या करना है आपने, इन वर्ड्स को आपने इस तरह से अरेंज करना है, ये 6-डिजिट नंबर है, ठीक है, इनको इस तरह से अरेंज करना है कि वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर भी बने और स्मॉलेस्ट नंबर भी बने, दो दफ़ा आपने लिखना है, एक दफ़ा लिखना है तो इस तरह से आपने अरेंज करना है कि यह आपका ग्रेटेस्ट नंबर बने, दूसरी दफ़ा जब आप अरेंज करेंगे तो इस तरह से अरेंज करना है कि आपका स्मॉलेस्ट नंबर बने, ओके। Write the greatest number and smallest number, 7-digit number using the following digits. You may repeat the digits. आप इन अल्फाज को, इन वर्ड्स को, लेटर्स को आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है, और आपने इनको, ये अब 7 digits हैं, इसमें 6 digits हैं, इसमें 7 digits हैं, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट इट, आपने इसमें परेशान नहीं होना, बस इसको अरेंज करना है, 7 digits हैं, ठीक है, इसमें 6 हैं, इसमें 7 है, कि ये ग्रेटेस्ट नंबर बने और दूसरी दफ़ा रिपीट करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट नंबर्स बनने चाहिए, ठीक है। Write the greatest 8-digit number using only 1 digit, using 3 different digits. आप 3 different digits को लेके 8-digit number बनाएंगे, लेकिन वो greatest होना चाहिए, using only one digit. तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 digit को लेके ही, यानी कि repeat नहीं होना चाहिए आपका digit, ठीक है, तो आपने 8-digit number बनाना है जो कि आपका greatest बने। Then answer of value based question page number 11. Value based question page number 11. आपने इस question को कैसे करना है, In a city circulation figures of some newspapers are given below. आपने क्या करना है, ये देखें अच्छी तरह से, ये आपको newspapers के नाम दिए हुए, ठीक है, ये उनकी circulation है कि daily news है तो वो इतने ज़्यादा बिकते हैं या इतने ज़्यादा पाकिस्तान में फैलते हैं, यानी कि लोग पढ़ते हैं, शाया होते हैं, ठीक है, तो ये इन सब के आगे क्या लिखी हुई है, वैल्यूज दी हुई है, ये कितने कितने पढ़े जाते हैं, कितने कितने नहीं पढ़े जाते हैं, नई बात जो है वो इतना पढ़ा जाता है, डेली जंग जो है वो इतना पढ़ा जाता है, आज जो है वो इतना पढ़ा जाता है, और पाकिस्तान टाइम्स इतना पढ़ा जाता है। तो आपने क्या करना, इसको अच्छी तरह से देखने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर्स देने, ऑब्जर्व द अबव डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर्स देने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इनमें आपने जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो सबसे पहले लिखना है, ठीक है, इसको यानी कि अरेंज करना है, इस तरह से आपने इन नंबर्स को अरेंज करना है कि ये डिक्रीजिंग बने, ठीक है, एक असेंडिंग होता है और एक डिसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग यानी कि डिक्रीजिंग, ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इन नंबर्स को लिखना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 1,002,945, इस नंबर में आपको 2 की प्लेस वैल्यू क्या बनती है वो आपने बतानी है, ये 2 की प्लेस वैल्यू क्या बनती है, 5 क्लास आपको अच्छी तरह से पता है ये 2 की प्लेस वैल्यू क्या बनती है, ठीक है, तो ये आप इन क्वेश्चंस के आंसर ना यहीं पे भी आप लिख सकते हो, ओके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर को पढ़ने के बारे में क्या सोचते हो, इज़ दैट अ गुड हैबिट और जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपकी ये एक अच्छी हैबिट बनेगी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, आपने सोचना है कि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ें तो ये एक अच्छी हैबिट होगी या वेस्ट ऑफ टाइम होगा, हमारा टाइम वेस्ट होना है, ठीक है, तो उसकी आपने रीज़न ना छोटी सी आपने अपनी अपनी वर्डिंग में, जैसे आपको ईजी लगता है आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है।
complete math lab activity page number 13 math lab activity this one. आपने क्या करना है, आपने write each of the following numbers in figures. आपने following numbers को यानी कि ये numbers दिए हुए इनको figures में लिखना है आपने, ठीक है. जैसे ये counting होती है ना, इन words में लिखना है. Then encircle each number in the number grid. Number में run up down और diagonally. ये जो कह रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने 307,021 इसको आपने यहाँ पे नंबर्स में लिखना है और फिर यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है. जिस तरह 307,021 का को हम किस तरह से लिखते हैं, 307,021, ठीक है. तो इसको आपने यहाँ पे इस पूरी फिगर में ढूंढना है. तो ये है यहाँ पे हमारा, इसको आपने सर्कल करना है 3721, ठीक है. इस तरह से आपने सर्कल करना है. ये बाकी सारे नंबर्स हैं, इनको इस तरह से फिगर्स में लिखना है और फिर यहाँ पे आपको डायगनली होता है तिरछा, इस तरह से भी आपको बन सकते हैं और फिर स्ट्रेट अपवर्ड भी बन सकते हैं ऐसे और डाउनवर्ड भी बन सकते हैं, ठीक है. एक्सरसाइज 2A फुल प्रैक्टिस ऑन रफ. एक्सरसाइज 2A 2B एंड 2C इन तीनों की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है रफ पे. 2A 2B एंड 2C बहुत इजी एक्सरसाइज है. यू हैव टू जस्ट ऐड दिस बोथ ऑफ द नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को इकट्ठे लेके आपने प्लस कर देना है. जिस तरह से हम ये लिख के प्लस करते हैं ना, इस तरह सब्ट्रैक्ट करना है. इन दोनों नंबर्स को आपने लिख के सब्ट्रैक्ट कर देना है सिंपली, जैसे हम ये वर्ड्स को इस तरह से लिखा हुआ है, लिख के हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 97 आंसर आए. तो इस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट करना है. मल्टीप्लाई, यू हैव टू मल्टीप्लाई 2341 बाय 3. आपने क्या करना है, 2341 मल्टीप्लाई बाय 3. दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है. ये क्वेश्चन आपने इस तरह से करना है. फिर मल्टीप्लाई ऑरली, ये आपने जुबानी सोचना है कि 450 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, 356 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होता है, ये आपने ऑरली सोचना है, ठीक है. डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर. डिवाइड, जहाँ पे भी डिवाइड का जिक्र आएगा वहाँ पे आप क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है. ये क्वेश्चन आपने किस तरह से करना है, इस तरह से करना है. ये हमारा क्वोशेंट होता है जो ऊपर आता है और ये जो हमारा नीचे रह जाता है वो क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है. रिमाइंडर भी कहते हैं, रिमाइंडर भी कहते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन, आप किसी तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. तो आपने क्या करना है कि 7 को डिवाइड करना है 4215 के साथ. किस तरीके से, किस मेथड से, इस तरीके से, ठीक है. फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर. अब आप क्या करेंगे, इसमें क्वोशेंट एंड रिमाइंडर पूछा है तो इसमें भी डिवाइड करेंगे. ये डिवाइड का साइन भी दिया हुआ है. अगर डिवाइड का साइन ना दिया हुआ हो, इस तरह से लिखा हुआ हो, तो ऊपर इंस्ट्रक्शन में डिवाइड दिया हुआ होगा, ठीक है. इस क्वेश्चन में भी आपने डिवाइड करना है और इस क्वेश्चन में भी डिवाइड करना है. दिस इज हाउ यू हैव टू डन दिस एक्सरसाइज 2A, ठीक है. फिर एक्सरसाइज 2B की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 2B, फाइंड द सम. बस इसमें आपने प्लस करना है. ये कोई मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. यू कैन डू इट, ठीक है. अरेंज द कॉलम एंड ऐड. आपने क्या करना है, इनको कॉलम में लिखना है, ठीक है. कॉलम में क्या होता है, जैसे कि इस तरह से अरेंज इन कॉलम एंड ऐड. आपने इनको कॉलम में लिखना है, जिस तरह हम सिंपली लिखते हैं 1+1+2. ये हम इस तरह से लंबाई में लिख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड कॉलम, ठीक है. तो आपने इन तीनों नंबर्स को कॉलम में लिखना है. ये क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है. ये होता है कॉलम में लिखना है. इसको आपने क्या करना है, प्लस करना है सिंपल, ठीक है. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिजिट. आपने क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट वर्ड के साथ. जैसे अब ये 5 और 6 है ना, इनको प्लस किया है, इनको किस वर्ड के साथ प्लस किया, तो अब जाके हमारा 4 आएगा. तो ये आपने प्लस करके देखना है, ठीक है. ये दो ही क्वेश्चन है. दिस इज़ वेरी इजी टू डन. एक्सरसाइज 2C देखेंगे कितनी सिंपल है. इसमें जस्ट सब्ट्रैक्शन करनी है. क्लास 5 यू कैन इजीली डू इट. फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन. डिफरेंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंस का मतलब भी माइनस करना होता है.
आपने फर्स्ट वर्ड को इस तरह से लिखना है और सेकंड वर्ड यानी कि ये जो सेकंड नंबर है, ये दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर को आप इस तरह से ऊपर लिखेंगे, सेकंड नंबर को नीचे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा के इसी तरह ही माइनस करेंगे जैसे ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, दिस इज हाउ योर मैथ्स वर्क विल बी डन। कंप्यूटर, लर्न थ्री लाइन डेफिनेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 आप कंप्यूटर की बुक पे खोलेंगे, पर्सनल कंप्यूटर की डेफिनेशन मिलेगी, वो आप अच्छी तरह से करेंगे। प्रैक्टिस ऑन रफ नोटबुक, रफ नोटबुक पे आपने डेफिनेशन को बार बार लिख कर देखना है कि क्या मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं है। लर्न मिनी कंप्यूटर प्लस मेन फ्रेम कंप्यूटर, पेज नंबर 5 पे मिनी कंप्यूटर की डेफिनेशन होगी और मेन फ्रेम कंप्यूटर की डेफिनेशन होगी, वो आपने याद करनी है। लर्न सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन याद करनी है। लर्न सुपर कंप्यूटर मीन्स इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। ठीक है, प्लस थ्री नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर होंगे पेज नंबर 6 पे, यू हैव टू लर्न दैट। ठीक है, रीडिंग करनी है 11 टू 12 पेज की, फिर 12 टू 13 पेज की और फिर 15 टू 16 पेज की। सब्जेक्ट कंप्यूटर इज़ वेरी इजीली टू डू, इफ़ यू ऑलरेडी कंप्लीटेड देन इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल बी कम्प्लीटेड ऑन व्हेन यू विल बैक टू द स्कूल। अगर आप स्कूल आ जाएंगे और आपने तब तक ना भी किया हो, इट डजंट मैटर, इंशाल्लाह हम इसका दोबारा से करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने कंप्यूटर का काम कर लिया हुआ है, वेल एंड गुड, परफेक्ट, आप 5 क्लास यू कैन इजिली डू इट। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, स्टे सेफ एंड स्टे होम, टेक केयर। काम करने में कोई भी मुश्किल हो तो आप इंस्ट्रक्शन को दोबारा बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, यानी कि आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, और ख़ुद भी आपने यकीन रखना है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपने घर वालों का और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है, घर से बाहर ना निकलें, और अगर आप निकलते हैं तो आपने अपने आप को कवर करना है। घर वापस आने की सूरत में आप शावर लेंगे, ठीक है, और अपनी ड्रेस चेंज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।